सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आज का पंचांग 25 फरवरी 2020, दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, रात्रि 1:40 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र शाम 7:10 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:07 से 4:33 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:51 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर दोपहर 12:27 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 25 फरवरी 2020, दिन मंगलवार, आप कई जवाबों को ढूंढ रहे हैं। शायद अपने मार्गदर्शन के लिए आप ध्यान करेंगे। अभी थोड़ा एकांत प्रिय होना समझदारी है। अच्छी तरह से आराम करें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। माता के समान कोई स्त्री खुद का विश्लेषण करने वाले चरण में आपकी मदद कर सकती है। धन संबंधित निर्णय लेने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए अपनी पुरानी योजनाओं का ही पालन करें। आज आप भावनात्मक रूप से अकेले और निराश महसूस करेंगे। घर में से बहुत से लोग प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसके लिए हारते हैं क्योंकि वे जीतने से पहले ही मैदान छोड़कर अपनी हार मान लेते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और अच्छी तैयारी करें। आपको कुछ अच्छी यात्रा की योजना बनाने का आग्रह आज करते हैं क्योंकि आप मजा कर सकते हैं और कुछ व्यवसाय भी कर सकते हैं। यदि आपका धर्म के प्रति रुझान है तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं। आज परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ के योग हैं। सावधानियां, ऐसी संभावना है कि आपकी संतान आपके सामने लड़ सकती है। मर्यादित आचरण करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी यात्राएं थोड़ी कम होगी, लेकिन जो भी होगी वह काफी दूर की यात्रा होगी और आपको थका भी देगी तथा उसकी वजह से आपको काफी खर्च भी करना पड़ेगा। लव लाइफ की बात करें तो रोमांस और यौन सुख आपकी जरूरत है, इससे आपका संबंध अटूट बनेगा। दादा नाना के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल जाना पड़ सकता है। अपने साथी को अपने प्यार का सबूत देना ना भूले और इसके लिए आपका एक केस या आलिंगन ही काफी है। काम में व्यस्त रहने के कारण आशा पर अकेला महसूस करेंगे। अगर आप किसी के जीवन में खास जगह बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आपका ख्याल रखे तो आपको प्यार की कला सीख लेनी चाहिए। आज के दिन आपको उस खूबसूरत से भरी ठंडी हवा से मिला देगा जिसका इंतजार आप कब से कर रहे हैं। करियर की बात करें तो अतिरिक्त काम या निजी कारणों के कारण आपको तनाव या मानसिक समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए खुद के लिए समय निकालें। सपने पूरे करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। इस समय दीर्घकालीन निवेश न करें, इससे हानि होने की संभावना है। आज अपनी बनाई गई योजनाओं और रणनीतियों पर अड़े रहें और कोई भी नया निर्णय न लें। व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं तो सोच समझ कर निवेश करें। धन को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में पहले से ही विचार कर लें। सेहत की बात करें तो दिन की शुरुआत के साथ आप कुछ अच्छा महसूस करेंगे।
अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशान हैं तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, अन्यथा आप अपने दिमाग को आराम दें, क्योंकि आप कुल मिलाकर स्वस्थ हैं। आप अपनी परेशानी एक तरफ रख दें और आराम से सोचें। आज का उपाय, आज आप लाल रंग का कपड़ा पहने, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।